हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्पलाइन आरके में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आपके सामने लेके आ गया हूँ भाई। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका मोबाइल हैक हो चुका है या आपका मोबाइल किसी ने अटैच कर लिया है, तो उसको कैसे पता करें कि आपका मोबाइल कितने मोबाइल के साथ अटैच है या किस बंदे ने आपका मोबाइल हैक किया है या हैक है या नहीं है। इन सभी बातों का जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, क्योंकि अगर आपका मोबाइल हैक है तो इस वीडियो की हेल्प से, इस वीडियो की मदद से आप अपने मोबाइल को ठीक कर सकते हैं, अनहैक कर सकते हैं। अगर किसी ने अटैच किया है तो भी उसको सही कर सकते हैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर। तो गाइस, वीडियो में बढ़ते हैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को ऑल पे जरूर से सेट करें, ताकि हमारी कोई भी अगली न्यू नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और मैं आपकी सबसे पहले मदद कर सकूं। आप मेरे साइड में जो स्क्रीन चल रही है उसे देख रहे होंगे। तो गाइज, मैं आपको जो बातें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा उनको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आपको एक ही तरीका बताऊंगा जिसके अंदर आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो गाइज, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको पता करना है कि आपका मोबाइल किसने अटैच कर रखा है या किसके साथ हैक हुआ है या मतलब किसने अपने साथ जोड़ दिया है। तो भाई, आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग वाली एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रही होगी, उस सेटिंग वाली एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद में गाइज, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और इस इंटरफेस को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा गूगल। अगर आपको यहाँ पे गूगल नहीं मिलता है आपके इंटरफेस के अंदर, तो आपने क्या करना है, ऊपर सर्च वाला बार दिखाई दे रहा है, सर्च वाले बार में जाके आपने सर्च करना है गूगल, और गूगल लिखने के बाद आपके सामने फाइनली गूगल का ऑप्शन आ जाएगा। और मेरे मोबाइल के अंदर तो भाई देख सकते हैं सामने ही गूगल का ऑप्शन पड़ा है, तो मैं गूगल पे टैप कर लेता हूँ। टैप करने के बाद में भाई आपके सामने थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद में नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो गाइस, इस इंटरफेस को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और सबसे नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको सेटिंग्स फॉर गूगल एप्स, इस पे टैप करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है, और इसके अंदर लिखा हुआ है कनेक्टेड एप्स, कनेक्टेड एप्स पे टैप करेंगे तो गाइस आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। और इस इंटरफेस के अंदर आपको एक व्हाट्सएप वाली एप्लीकेशन दिखाई दे रही होगी। मेरे मोबाइल के अंदर यहाँ पे व्हाट्सएप एप्लीकेशन है जिसके अंदर मेरा मोबाइल नंबर या फिर मेरी जीमेल एंटर है। इसके अंदर आपको एक कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन दिखाई अगर देती है जो आपको नहीं पता है, या आपने कभी भी जिंदगी में कोई एप्लीकेशन वैसी इंस्टॉल नहीं किया है जो उसके अंदर दिखाई दे रही है, या फिर आपने कभी उस एप्लीकेशन का यूज नहीं किया है या उसमें मोबाइल नंबर या जीमेल आपकी रजिस्टर नहीं किया है और वो ऐप आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो भी इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मतलब किसी ने आपके मोबाइल लेके आपका मोबाइल आपसे, और उसके अंदर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में उसमें आपका मोबाइल नंबर या फिर आपकी जीमेल एंटर की है, एंटर करने के बाद रजिस्टर किया है, रजिस्टर करने के बाद में वो उस एप्लीकेशन को हाइड कर दिया, क्योंकि भाई हैक वगैरह की एप्लीकेशन होती है वो अपने होम स्क्रीन से हाइड हो जाती है, इजिली हाइड हो जाती है, उसमें कोई वो नहीं होता, मुश्किल नहीं होता। तो आप उसे यहाँ से मतलब अनहैक भी कर सकते हैं, उस पर टैप करके उस एप्लीकेशन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं और अपने फोन को रिस्टार्ट कर लेना। रिस्टार्ट करने के बाद में क्या है, आपकी जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में रन करती रहती है वो बंद हो जाएगी। बंद होने के मतलब है आपका फोन सिक्योर हो जाएगा, और उसके बाद में भाई आप अपने जीमेल अकाउंट को सिक्योर कर लेना, 2-स्टेप वेरिफिकेशन कर लेना, और मतलब आपके जितने भी अदर अकाउंट्स है उनको सिक्योर कर लेना। और भाई आप अपने मोबाइल को किसी से देने से बचे, मतलब किसी को ना दे। अगर आपका कोई भी विश्वास पत्र है ठीक है, अच्छी बात है, उसे दो, बट उसे भी एक लिमिट में दो, ताकि आपका मोबाइल कभी हैक ना हो पाए जिंदगी में, क्योंकि भाई आपको पता है कि अपना पर्सनल डाटा सारा मोबाइल के अंदर ही होता है। तो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, अगर वीडियो से आपकी हेल्प हुई है या वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।